नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम। दिस एग्जाम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ द कंट्री, और मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम के साथ साथ इसको मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम भी कंसिडर किया जाता है। डिफिकल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम होता है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में लाखों की तादाद में लोग अपियर होते हैं और कुछ लोग ही फाइनल लिस्ट में आ पाते हैं। तो लास्ट ईयर का अगर एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो 782 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। तो इस एग्जाम को बोला जा सकता है कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। बट इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्ट कि एक एवरेज स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता है। अगर राइट अप्रोच और राइट डायरेक्शन में अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ये एग्जाम बेसिकली 3 स्टेजेज में होता है। फर्स्ट स्टेज होती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। सेकंड स्टेज होती है आपकी मेंस एग्जाम, जो सब्जेक्टिव एग्जाम है। और थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू, जो इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम पे भी जानते हैं। तो आज के इस सेशन में हम अपना डिस्कशन लिमिट करेंगे केवल प्रिलिमिनरी एग्जाम तक। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब बातों पर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत हमें एनसीईआरटी की बुक से करनी चाहिए। हमें बेसिकली एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। कई लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि अगर इतने बड़े एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स क्यों पढ़ें, हम कोई सीधी कोई भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं वहाँ से शुरुआत क्यों ना करें। बट ऐसा नहीं है, अगर आप वहाँ से शुरुआत करते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को मिस करेंगे, क्योंकि आपका सबका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। बट एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के बाद में एक बेसिक क्लैरिटी आती है, आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, करते हैं, आपका लेवल क्या है। और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के बाद 6 to 10 तक आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में एक आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि मेरी क्या वीकनेस है, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप किसी दूसरे से जानकारी लेने के बजाय आप खुद ही अपने आप में क्लियर हो जाएंगे कि मुझे अभी क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि कई बार यूपीएससी वाले एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो एनसीईआरटी की आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं, ओल्ड हो या न्यू हो। ओल्ड मिल जाती हैं तो बेहतर है, अगर ओल्ड नहीं भी मिलती हैं तो आप नई बुक्स से ही पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल अराउंड 15 के अराउंड क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में। पिछले कई सालों से ट्रेंड लगभग ऐसे ही चलता आ रहा है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है पॉलिटी का। अब अप्लाइड पॉलिटी पूछे जाते हैं, पहले बहुत ही स्टेटिक होते थे पॉलिटी के क्वेश्चंस, अब थोड़े से डायनामिक होने लगे हैं। तो पॉलिटी की मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की, टाटा मैग्रा हिल की पब्लिकेशन की ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है और इस बुक के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है, तो ये बुक अपने आप में सफिशियंट है। इस बुक को ही बार बार पढ़िए और हर बार पढ़ेंगे तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि डीडी बासु भी पढ़नी चाहिए और पीएम बख्शी भी पढ़नी चाहिए। हालांकि दोनों बहुत अच्छी किताब है, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ज़रूरत नहीं है। हायर स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं आप, अगर लॉ की तैयारी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये बात करें सिविल सर्विस एग्जाम की तो लक्ष्मीकांत बुक की बुक ही सफिशियंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी अच्छा खासा पोर्शन यूपीएससी में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। तो यूपीएससी के जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये विपिन चंद्रा की एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है हिस्ट्री में तो भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बुक आती है एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के नाम से आती है ये बुक। ये भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत कॉम्पैक्ट बुक है, मतलब विपिन चंद्रा के कंपेरेटिवली ये बुक बहुत कॉम्पैक्ट है। विपिन चंद्रा एक बहुत बल्की बुक है, बट उसके कंपेरेटिवली ये स्पेक्ट्रम्स की किताब बहुत, मतलब कह सकते हैं आप, छोटी है, साइज में भी छोटी है, पेजेस भी कम है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा सिलेबस कवर नहीं करती, ये भी पूरा सिलेबस कवर करती है। तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़िए, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा।
नेक्स्ट बात आती है एंशियंट एंड मीडिएवल की। एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है प्रीलिमिनरी एग्जाम में, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़िए, वही सफिशियंट रहेंगी इसके लिए। बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। हालांकि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी के जो सिलेबस है उसमें आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कहीं पे, बट फिर भी आर्ट एंड कल्चर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। और दूसरा मेंस एग्जाम में तो स्पेशली मेंशन है, आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में है, तो मेंस एग्जाम के लिए तो आपको पढ़ना ही होगा। तो बेहतर यह है कि आप आर्ट एंड कल्चर प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए भी पढ़ लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स अभी बहुत ही डायनामिक एक सब्जेक्ट हो गया है, कोई भी एक सिंगल बुक इकोनॉमिक्स को कवर नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत ही डायनामिक होते हैं, आप कह सकते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप सबसे पहले, आप एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप एनसीईआरटी की ये बुक पढ़िए। उसके बाद आप एनसीईआरटी की 12th क्लास की दो बुक आती हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप ये 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इससे आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स के कोई सवाल अगर पूछा जाता है तो आप उसको एक अच्छे से समझ के उसका जवाब दे पाएंगे। और एक थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए आपको एक mrinal.org एक वेबसाइट है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे इनकी वीडियोस हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। और इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन है, जैसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है आपको वो पढ़ना है और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में आपको बजट, उस साल का जो बजट है वो भी थोड़ा देख लीजिए, बजट में क्या डिक्लेरेशन है वो सब आपको पढ़ना जरूरी है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी आर्टिकल आता है आपको वो पढ़ना है। और द इकोनॉमिक टाइम्स से आप एक सरसरी नज़र डाल सकते हैं, फ्रंट पेज उसका पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। नेक्स्ट बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हाल ही में देखा गया है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ गया है और ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम हो गया है। बट मेंस में ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन है जीएस पेपर वन में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, उसके लिए आपको एक फिजिकल ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज्योग्राफी को आप, हालांकि पोर्शन का वेटेज कम है लेकिन ज्योग्राफी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपको बेस्ट सोर्स है क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी एकदम, तो आपको बेसिक एनसीईआरटी की, आप नई वाली जो एनसीईआरटी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, नो इशूज। और एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए गो ची लियोंग की बुक आती है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आप ये किताब देख सकते हैं। इसमें फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के लिए है, बट आपको फोकस बेसिकली फिजिकल पार्ट पे ही करना है केवल। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ही ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ें, अदरवाइज ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्केट में दो बुक आती हैं, एक विजार्ड की ज्योग्राफी आती है और दूसरा माजिद हुसैन की इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। दोनों में से आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, दोनों बुक पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक ही किताब पढ़िए दोनों में से कोई, वही सफिशियंट है। और उसके साथ में एक एटलस जरूर देखिए, एटलस कोई भी ले सकते हैं बट ऑक्सफोर्ड की एटलस मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है, तो ऑक्सफोर्ड की एटलस दे सकते हैं आप। जो भी डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको ज्योग्राफी से रिलेट करके जरूर देखिए, कोई भी इवेंट है कहाँ हुआ है तो मैप में उसकी पोजिशन जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी रिसेंट ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होता है या नेशनल इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी अरब कंट्रीज में जो डिस्टरबेंस हो रहा था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस कंट्री के सराउंडिंग नेशंस कौन से हैं, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस सी के सराउंडिंग कौन कौन से नेशंस हैं, या इन दो नेशंस के बीच में कौन सी सी है, या किसी रिवर का नाम दिया जा सकता है, जैसे लाइक मीकोंग रिवर के बारे में बोल दिया जाएगा कि किस किस कंट्री से पास होती है ये रिवर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी को आप अप्लाइड ज्योग्राफी की तरह देखिए, कोई भी इवेंट हो रहा है उसको ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस उसका जरूर समझिए। नेक्स्ट बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बात में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है,
इसके बारे में क्लियर कट सिलेबस डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की बुक्स साइंस की देख सकते हैं। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 11th 12th की बुक्स भी देखनी चाहिए, बट एज पर माई ओपिनियन आपको 11th 12th की बुक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, इतना यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। तो 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक्स ही काफ़ी है। इसके बाद एक साइंस की बुक आती है रवि पी अग्रहरी की, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, और इसके साथ साथ एक ALS वालों की भी आती है, विजार्ड पब्लिकेशन की बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक देख सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है आपका, आपका स्टेम सेल्स है, इस तरह के कुछ जो टॉपिक्स हैं जो 9th 10th क्लास की बुक्स में नहीं मिलते हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं रोबोटिक्स है आदि, इस टाइप के टॉपिक आपको इन बुक से कवर कर सकते हैं। आप पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स इस बुक से देख सकते हैं, कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आते हैं, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, या किसी भी न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आप वो भी जरूर देखिए। और उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको इंडिया ईयर बुक में मिल जाती है। इंडिया ईयर बुक में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल चैप्टर रहता है, और फर्स्ट चैप्टर तो आप उसका पढ़ेंगे ही इंडिया ईयर बुक का, तो उससे आपको पूरा राउंड द ईयर जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतना सफिशियंट है। अब बात आती है इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की बुक्स साइंस की आपको जरूर पढ़नी है, स्पेशली बायोलॉजी की बुक पढ़नी है, उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जैसे बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, नीच क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इस तरह की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपको उनका आइडिया हो जाएगा। इसके बाद इन्वायरमेंट की एक बुक आती है शंकर IAS अकेडमी की, तो बहुत अच्छी बुक है लेकिन बहुत बल्की किताब है, आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आप इससे पढ़ सकते हैं। कुछ जैसे यूनाइटेड नेशंस के कुछ कन्वेंशन हुए, क्लाइमेट चेंज के कौन से क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब इससे बुक से आप देख सकते हैं। हालांकि पूरी बुक भी इन्वायरमेंट का सिलेबस कवर नहीं करती है, तो क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक टॉपिक है तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से इन्वायरमेंट को पढ़ना होगा। इसके बाद एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है, तो आपको इससे भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, कुछ डेटा आप इससे देख सकते हैं। आपको पूरी ये सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डेटा आप इससे रेफर कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ पर कैसी है, स्पार्स फॉरेस्ट कहाँ है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर है, इस तरह के टॉपिक्स आपको इससे फॉरेस्ट सर्वे से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही डायनामिक चीज़ें हैं, चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उससे करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आप जरूर कवर कीजिए। और इसके साथ में कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है या कोई और भी मैगजीन आती है, वो मैगजीन के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप देख सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का रिसेंट ईयर्स में देखा गया है वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। पहले करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन UPSC का अभी प्री का एग्जाम बहुत डायनामिक हो गया है, करंट अफेयर्स से कई बार तो 30% 40% के अराउंड क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, या फिर जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें भी करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस के जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक डाल दिया जाता है, तो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट सोर्स तो न्यूज़पेपर ही है, इसके अलावा कोई इसको इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई। आपको कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना होगा रेगुलर बेसिस पे, तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए द हिंदू बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट न्यूज़पेपर अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। कई लोगों को इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगती है बिगिनिंग में, तो आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, और अगर इंडियन एक्सप्रेस भी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो द हिंदुस्तान टाइम्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे नीचे मत जाइए। और अल्टीमेटली आपको तैयारी करनी है द हिंदू से या द इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स भी सारे टॉपिक्स कवर नहीं करता है जो UPSC के लिए डिजायरेबल हैं। इसके साथ साथ इंडिया ईयर बुक आपको देखनी है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है साल भर में, तो एक तो गवर्नमेंट की आती है इंडिया ईयर बुक, और दूसरे कुछ पब्लिकेशंस की इसकी इसकी जिस्ट आती है आप वो भी देख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो इंडिया ईयर बुक आती है उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी एक मंथली मैगजीन आप देख पढ़ सकते हैं,
मंथली मैगजीन प्रत्युक्त दर्पण, क्रॉनिकल या फिर विजन आईएएस या इनसाइट्स ऑन इंडिया की बुकलेट्स आती हैं, आप कोई भी एक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छी है कोई बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक पढ़ के पढ़ सकते हैं उससे। और दूसरे आती है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी साइट को आपको रेगुलर विजिट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, वो आपको इस साइट पे मिल सकती हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है इंडिया में या इंडिया से बाहर, वो सब आपको इस पे मिलता है। और यूपीएससी कई बार डायरेक्ट सवाल पूछती है यहाँ से, तो आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। और एक राज्यसभा टीवी में एक शो आता है द बिग पिक्चर नाम से, करंट अफेयर्स के लिए वो भी अच्छा एक शो है, अच्छी डिबेट होती है, आपकी हिंदी न्यूज़ चैनल की तरह नहीं, वहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं उस तरह से नहीं होता है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप उसको डिबेट को देख सकते हैं द बिग पिक्चर पे, कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आपको डेवलप होंगे। तो ये थी बुक्स लिस्ट और सिविल सर्विस की प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी की जाए। नेक्स्ट सेशन में मेंस के एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।